So hello all, I welcome you all in our next video, English Literature Moments, Periodic Test 1, and we will be going through The Lost Child, the story which we have started in our previous video and which is getting continued in today's video for class 9th. So if you remember, in our last video we started this story and we have covered page number 1 and 2, right? So if you remember, we have studied that a child goes to a fair with his parents and he got attracted towards the dove, and the dragonflies and the flowers, etc., right? And the last paragraph that we have studied was all about the child which was about to enter into the fair with his parents, right? So let's proceed. What happens next? As he neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, right? So throng means people, converging means joining, whirlpool means again mass of people, right? सो एज दे नियर द विलेज, मतलब जैसे वो गांव के आसपास पहुंचते हैं जहां पे वो मेला लगा हुआ था, द चाइल्ड कुड सी, मतलब अब वो बच्चा देख सकता था फुटपाथ पे, फुटपाथ मतलब द एरिया दैट इज ओनली फॉर वॉकिंग बिसाइड द मेन रोड, राइट? सो उस फुटपाथ पे उसने देखा कि बहुत सारे throng means mass of people or group of people, they were walking, and where they were going to join the whirlpool of the fair. Whirlpool of the fair means कि जो already मेले में उस वक्त लोग थे, वो उन लोगों को join करने के लिए और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे, right? बहुत सारे लोगों को वो देख सकता था और वो whirlpool हो रहा था, मतलब whirlpool का मतलब होता है that the people were walking in a round manner, मतलब चारों ओर वो एक चक्कर से लगा रहे थे. And felt at once repelled. Repelled means frustrated, and fascinated means attracted by the confusion of the world he was entering. अब जैसे वो वहाँ पहुँचता है, जब इतनी सारी भीड़ देखता है वो, क्योंकि पहले उसने नहीं देखा था, बट जब वो अब वो भीड़ देख रहा है इतना ज़्यादा, तो वो पहली बार तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है वहाँ पे पहुँचने के बाद कि इतने सारे लोगों को वो पहली बार देख रहा था, और दूसरी चीज़ वो अट्रैक्ट भी हो जाता है उन सारी चीज़ों को लेकर के जो वहाँ पे वो देख सकता था. फॉर एग्जांपल द टॉयज दैट ही वाज वाचिंग, द डव दैट ही वाज वाचिंग, एंड ऑल द थिंग्स दैट ही हैज़ हैड ऑलरेडी वॉच्ड इन दैट पर्टिकुलर फेयर. सो ही गॉट कन्फ्यूजन, ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड वेदर ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड एज फार एज हिज ओन फीलिंग्स वॉज कंसर्न्ड when he was entering in this particular world, right? A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold, right? So sweetmeat kya hota hai? Halwai. To halwai jaise entrance pe, matlab ek उनको जैसे वो फेयर का जो एंट्रेंस था, मतलब मेले का जो मेन एंट्रेंस था, उसी गेट के बगल में, उसी एंट्रेंस के बगल में उन्होंने, उस बच्चे ने क्या देखा, एक हलवाई को जो कि हॉक्ड, हॉक्ड मतलब वो बेच चिल्ला चिल्ला के बेच रहा था, और क्या कह रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहा था, क्योंकि वो इसी वजह से चिल्ला रहा था सो दैट कि वहाँ पे परचेजर अट्रैक्ट हो सकें, वहाँ आ सकें और उसकी चीज़ों को खरीद सकें. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट्स. अब जो क्राउड थे वो भी आसपास उसके दुकानों पे खड़े थे, ठीक है. एंड एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन्स डिज़ाइन. अब जो भी उसने बर्फियों की डिज़ाइन की थी, आपने देखा होगा कभी खासकर दिवाली या रक्षाबंधन के मौके पे किस तरीके से जो दुकानें होती हैं वो सजाई जाती हैं, कैसे डेकोरेट किया जाता है मिठाइयों को, ताकि जो परचेजर हैं वो अट्रैक्ट हो सकें, उनकी दुकान पे आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकें. तो उसी आर्किटेक्चर या डिज़ाइन में उसने अपने मिठाइयों को डेकोरेट करके रखा था.
और उन मिठाइयों पे क्या लगा हुआ था, सिल्वर और गोल्ड की लीव्स। आपने देखा भी होगा मिठाइयों में ऊपर की ओर सिल्वर और गोल्ड जैसी पन्नियाँ का मतलब कुछ डेकोरेट करने के लिए लगा दी जाती है, सो दैट दीज स्वीट्स शुड लुक अट्रैक्टिव। तो वैसे ही उसने एक अच्छे से डिज़ाइन में अपनी मिठाइयों को तैयार करके रखा था। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड, मतलब अब वो अपनी खुली हुई आंखों से इन 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 मिठाइयों को देखता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ जाता है। फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और उसको बर्फी देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। अब वो अपने बहुत धीमी सी आवाज़ में, मर्मर्ड मीन्स लो टोन में, बहुत धीमी आवाज़ में वो अपने पेरेंट्स से बोलता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी। बट ही हाफ न्यू एज ही बेक्ड दैट हिज प्ली, प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। पर उसको, बट ही न्यू, हाफ न्यू, हाफ न्यू का मतलब है पर उसे ये कहीं ना कहीं पता था, ये पूरी तरीके से पता था या उसको जानकारी थी कि जो जिस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, मतलब जिस चीज़ की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी क्या क्या लेने के लिए, बर्फी लेने के लिए, तो वो मेरी प्ली, मतलब वो मेरी रिक्वेस्ट मेरे पेरेंट्स सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि मैं क्या हूँ, ग्रीडी हूँ, मतलब मैं लालची हूँ कि हर चीज़ें जो भी मैं देख रहा हूँ उसको मांगने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो वुड नॉट बी हीडेड, हीडेड मीन्स लिसन। तो उसको पता था, ऑलरेडी उसको पता था कि अगर जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या करूँगा, मेरे पेरेंट्स उसको सुनेंगे नहीं और ना मुझे वो चीज़ें दिलाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए वो बिना अपने पेरेंट्स का कुछ भी आंसर सुने वो आगे बढ़ जाता है। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। सो आगे जैसे बढ़ता है, दूसरी स्टॉल पे, पहली स्टॉल तो मिठाई वाली थी, दूसरी स्टॉल पे उसको दिखता है कि एक फ्लावर सेलर, मतलब एक फूल बेचने वाला, हॉक्ड, अगेन मतलब वो चिल्ला चिल्ला के अपने फूलों को बेच रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। सो गुलमोहर इज अ काइंड ऑफ अ फ्लावर एंड गार्लैंड मीन्स माला, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रेसलेट, सॉरी ब्रेसलेट, इट्स अ काइंड ऑफ अ नेकलेस, राइट। सो अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबल ड्रॉन, द चाइल्ड सीम्ड मीन्स अपियर, इरेसिस्टिबल मीन्स अट्रैक्टिव, ड्रॉन मीन्स टू मूव टूवर्ड्स। अब जैसे उसने इस गुलमोहर को देखा तो उस फूलों से महक भी आ रही थी और वो इतने अच्छे लग रहे थे देखने में कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया उस स्टॉल पे या उस दुकान की तरफ जाने को लेकर के, मतलब वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वो जैसे उसने देखा वो तुरंत उस फूल वाले के पास या फूल वाले के दुकान पे वो पहुंच गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, और वो तुरंत उस बास्केट के पास जाता है जहाँ पे, जिसमें कि बहुत सारे फ्लावर्स क्या 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 किए गए थे, इकट्ठा रखे गए थे। हीप्ड मीन्स पाइल और बंच, यू कैन सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड आई हैव रिटन द मीनिंग, हीप्ड मीन्स पाइल और बंच। जैसे आप जब आपकी टीचर्स बोलती हैं कि या बोलते हैं कि कॉपी लेके आओ मुझे चेक करना है पूरे क्लास की, तो जिस तरीके से आप एक के ऊपर एक कॉपी या बुक्स लेके जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पाइल, या पाइल और बंच और हीप्ड, राइट। एंड हाफ मर्मर्ड, अब वहाँ पे जब वो देखता है कि फ्लावर्स एकदम एक मतलब बंच में पड़े हुए हैं, तो वो हाफ मर्मर्ड, मर्मर्ड मीन्स अगेन लो टोन में वो बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, वो बोलता है मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अब उसे फिर पता था, रिफ्यूज मीन्स टू से नो, तो उसे फिर पता था कि अगर मैं अपने मम्मी पापा से जो मैं इस गार्लैंड मतलब माला खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, वो फिर मुझे क्या बोलेंगे, वो ना बोल देंगे मुझे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि ये जो गार्लैंड है वो है क्या, चीप, मीन्स प्राइसलेस, मीन्स खराब या घटिया है, इस वजह से तुम्हें इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उसने वेट नहीं किया वहाँ भी, जैसे उसने पहले स्टॉल में नहीं वेट किया था अपने मम्मी पापा के आंसर के लिए, तो वैसे यहाँ भी उसने वेट नहीं किया और वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब वहाँ पे आगे जाता है तो उसे एक आदमी दिखता है और वो एक
उसके पास एक डंडा है और उस डंडे में कई सारे बैलून्स बंधे हुए हैं और वो इधर उधर उड़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा रास्तों पे जब कि कोई इंसान जब बैलून्स बेचता रहता है तो कैसे वो एक पोल में उन बैलून्स को सारे बैलून्स को बांधा रहता है और वो हवा की वजह से उड़ते रहते हैं, राइट। तो वही यहाँ भी हो रहा था। सो बैलून्स वर ऑफ डिफरेंट कलर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल रेड, ग्रीन, पर्पल एंड सो ऑन। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, right? अब simply carried away means attracted. अब वो बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो जो भी वो चीज़ देख रहा था उसे हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी, तो उन बैलून्स को देखकर भी वो अट्रैक्ट हो गया। और वो बैलून्स को यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि वो डिफरेंट मल्टीपल कलर्स में थे या डिफरेंट कलर्स में थे, तो इट वॉज लुकिंग लाइक अ द बैलून्स वर लुकिंग लाइक अ रेनबो। जैसे आपने रेनबो देखा है मल्टी कलर में होता है, वैसे वो बैलून्स जो कि उसके मतलब उसके डंडे में बंधे हुए थे वो भी किसकी तरह लग रहे थे, रेनबो की तरह। ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, ग्लोरी ओवर हेयर मीन्स ब्यूटी, राइट, ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। अब वो सिल्की कलर में थे, सिल्की कलर मीन्स ब्राइट कलर, कुछ शाइनिंग कलर में थे, कुछ कुछ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स मीन्स वो कुछ शाइन कर रहे थे, कुछ दूसरी तरीके से वो सिल्की, जैसे सिल्क सिल्क होता है उसी तरीके से वो शाइन कर रहे थे, ब्राइट, एकदम ब्राइटली शाइन कर रहे थे। इस वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता है इन डिफरेंट कलर्स ऑफ बैलून्स के तरफ। एज ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल, और एंड एंड एट द सेम टाइम ही वॉज फिल्ड विद, मतलब ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजायर मीन्स विश। अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा चाहत आ गई थी, विश मतलब विश मीन्स डिजायर, इतना ज़्यादा उन बैलून्स को देख करके चाहत आ गई थी कि अब उसे पोजेस करना था। पोजेस मतलब टू बाय देम ऑल, वो चाहता था कि मेरे पेरेंट्स इन बैलून्स को मेरे लिए खरीदें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिजायर आ गया था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मतलब ही वॉज टोटली और फुल ऑफ डिजायर और विश टू बाय द बैलून्स। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, पर उसे ये भी पता था फिर से यहाँ भी इस स्टॉल में भी इस स्टॉल पर भी कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो बैलून्स उसके लिए खरीदेंगे नहीं, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वो कहेंगे कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी उम्र इन बैलून्स के साथ खेलने लायक नहीं। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, वॉकड ऑन फर्दर मीन्स मूव ऑन, सो वो आगे बढ़ जाता है। सो क्लास लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अ स्नेक चैम्बर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट। अ स्नेक चैम्बर, सॉरी चामर, चामर मीन्स जो सपेरा होता है, अब उसकी बात हो रही है। तो जैसे वो बच्चा आगे आगे बढ़ता है, इस फूल वाली दुकान से आगे बढ़ता है, उसे क्या दिखता है, अ चार्मर मीन्स इस बैलून्स वाली दुकान से आगे बढ़ता है तो उसे क्या दिखता है, अ स्नेक चार्मर, जो कि एक सपेरा होता है। वो वहाँ पे खड़ा होके फ्लूट बजा रहा था एक सांप के सामने, जो कि कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। कॉइल्ड मतलब वो कॉइलिंग करके, कॉइलिंग का मतलब आपने देखा होगा, जो आपने मोर्टिन यूज़ किया होगा, मोर्टिन कॉइल्स आते हैं, तो कैसे वो राउंड राउंड होता है वैसे उसी राउंड शेप में उस सांप सांप ने भी अपनी कॉइलिंग कर रखी थी, कहाँ पे, उस बास्केट में। आपने देखा भी होगा जो सपेरे घर की ओर आते हैं हमारे, तो उनके जो उनका जो छोटा सा वो एक डलिया टाइप का होता है, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वो स्नेक जो है राउंड वाले बास्केट में वो कॉइल करके लेटा या बैठा रहता है, राइट। हिट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटर फॉल। हिट्स हेड रेस्ड, रेस्ड मीन्स लिफ्टेड। अब उसका सर उठा हुआ था, बाकी भी बॉडी उसकी कॉइल कॉइल की तरह मतलब वहाँ पे बास्केट में थी, पर उसका जो हेड था वो रेस्ड था, रेस्ड मीन्स ऊपर की ओर उठा हुआ था। इन अ ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स वेरी स्टाइलिश, ठीक है, लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन, स्वैन मीन्स हंस। अब आपने हंस को देखा होगा कि उसका सर कैसे होता है, आगे से मुड़ा हुआ एकदम ना, तो उसी उसी स्टाइलिश वे में इसका इस स्नेक का सर भी मुड़ा हुआ था। वेल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और जो वो सपेरा अपनी सपेरा जो भी वो अपने
इंस्ट्रूमेंट से वो बजा रहा था, ठीक है, तो बीन से मतलब वो बजा रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि उसके इनविजिबल, क्योंकि सांपों के कान तो होते नहीं, तो लग रहा था कि वो उसके इनविजिबल में वो म्यूजिक जाके क्या हो रहा है, गुम हो जा रहा है, मतलब कहीं उसको वो म्यूजिक उसका गुम हो जा रहा है। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। अब यहाँ पे इसका मतलब है, आपने कभी देखा होगा पानी भरा हुआ होता है, तो आप छोटा सा अगर पत्थर मारते हो तो पत्थर जब जाता है तो एक वेव तैयार हो जाती है, मतलब पानी बहने हल्का सा, मतलब जैसे आप पत्थर डालोगे तो वो क्या होता है, वो पानी हटने लगता है ना। पानी हटने का मतलब वो चारों तरफ से एक वेव छोटी सी चली जाती है, चलने लगती है ना। तो वैसे लग रहा था कि उसको भी, क्योंकि वो उस धुन पे, उस बीन के धुन पे वो ऐसे सर अपना क्या कर रहा था, हिला रहा था। आपने अक्सर देखा होगा सांप, क्योंकि सांपों को सुनाई तो देता नहीं, बट क्योंकि वो बीन की वजह से सर इधर उधर करते हैं, तो ये यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि वो क्या कर रहा था, वो उसके सर का हिलना ऐसे लग रहा था कि वो एक रिपल की या रिपलिंग इफेक्ट की तरह काम कर रहा था। रिपलिंग इज अ काइंड ऑफ एन इफेक्ट एंड जेंटल मीन्स काइंड ऑफ, राइट। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब वो स्नेक चार्मर के पास, मीन्स उस सपेरे के पास जाता है, बट उसको ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स ने, फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड, मतलब उसको पहले से ही मना कर दिया था, उसके पेरेंट्स ने मना करके रखा था कि देखो तुम्हें ऐसे कोर्स, मतलब रफ, ऐसे रफ म्यूजिक तुम्हें नहीं सुनना है जो कि वहाँ पे स्नेक चार्मर बजा रहा था, मीन्स वो सपेरा बजा रहा था। तो वो उसकी, मतलब उन्होंने बोल रखा था कि तुम ऐसा रफ, मतलब ऐसा कोई भी खराब साउंड के पास ना सुनोगे और ना उससे अट्रैक्ट होके उसके टूवर्ड्स जाओगे। ही प्रोसीडेड फर्दर। प्रोसीडेड मीन्स मूव्ड ऑन, और फिर वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पहले पहले से ही उसके मम्मी पापा ने, उसके पेरेंट्स ने मना करके रखा था। देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन। राउंड अबाउट मीन्स सर्कुलर, एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर मोशन का झूला वहाँ पे लगा हुआ था। आप जानते हैं मेले में झूले लगे हुए होते हैं, बड़े छोटे, ठीक है, तो वैसे एक सर्कुलर मोशन में झूला लगा हुआ था। मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन। वर्लिंग मोशन मीन्स राउंड, ठीक है, तो जो भी लोग उस पर चढ़ के झूल रहे थे वो लगातार एक राउंड मोशन में, राउंड मोशन मीन्स राउंड फिगर में, राउंड फिगर इन सेंस कि मतलब वो एक राउंड बार बार वो घूम रहे थे उस झूले पे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, राइट। सो श्रीक्ड मीन दे वर स्क्रीमिंग। आप देखा हो, आपने देखा होगा लोगों को जब वो झूले पे, बड़े बड़े झूलों पे जब वो बैठ जाते हैं, तो फिर जैसे झूला चलने लगता है वो चिल्लाने लगते हैं, या हंस, कुछ लोग होते हैं हंसने लगते हैं, ठीक है, डर के मारा या एक्साइटमेंट में। तो वही वहाँ पे वो देख रहा था दैट जो भी लोग थे, मीन्स मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन, दे वर स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग मीन्स चिल्ला रहे थे। दे वर क्राइंग, क्राइंग अगेन मीन्स स्क्रीमिंग विद डिजी लाफ्टर। डिजी लाफ्टर मीन्स वीक लाफ्टर, मतलब डर, जो डर के हंस, डर डर से हंसी निकलती है, वो उस तरह की उनकी हंसी निकल रही थी। द चाइल्ड वॉच डेम इंटेंटली। इंटेंटली मीन्स केयरफुली, बहुत ध्यान से वो उन लोगों को देख रहा था। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और बहुत, फिर इतना देखने के बाद बहुत बोल्ड रिक्वेस्ट की, मीन्स ही रिक्वेस्टेड बोल्डली, मतलब थोड़ा हिम्मत करके उसने रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट प्लीज मदर एंड फादर। अब वो बोलता है कि मुझे प्लीज उस झूले पे झूलने दो, मैं भी उस झूले पे झूलना चाहता हूँ मम्मी पापा, ऐसे करके वो बोलता है। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। देर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब कोई रिप्लाई उसको सुनाई नहीं दिया, ना हाँ में, ना 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 और ना ही ना में। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और जैसे ही वो टर्न करता है, मतलब जैसे वो पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखना चाहता है कि कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया मेरे मम्मी पापा ने, तो वो क्या देखता है, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ठीक है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वो वहाँ पे दूर दूर तक उसको नजर ना नहीं आए और ना आ रहे थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। अब वो चारों तरफ अपने देखने लगता है हैरानी में कि मेरे मम्मी पापा अभी तो मेरे साथ थे पर अभी गए कहाँ, राइट। तो वो बहुत परेशान हो जाता है। दे वर नॉट देयर। अब वो चारों तरफ देख लिया फिर भी उसको कहीं नहीं दिखता है। ही लुक्ड बिहाइंड,
देर वॉज नो साइन ऑफ देम। और वो आगे पीछे चारों तरफ सब तरफ उसने वो देख लेता है, बट उस उन उन उसके मम्मी पापा का कोई छोटा सा साइन साइन मतलब कोई कहीं वो नहीं दिखाई देते उसको, थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी कुछ उनका साइन नहीं मिलता है कि वो गए कहाँ, किस रास्ते गए या किस ओर गए। राइट, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। ड्राई थ्रोट मीन्स अभी तक तो वो शांत था, सब कुछ सही था, वो एकदम नॉर्मल था, पर जैसे उसको उसको अपने मम्मी पापा नहीं दिखते हैं, वो तुरंत के तुरंत क्या करना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। राइट, एंड विद द सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेर ही स्टूड। और जहाँ वो खड़ा रहता है, जर्क मीन्स पुश, और तुरंत वो अपने आप को पुश करता है और वो तुरंत के तुरंत जहाँ खड़ा रहता है वहीं से भागना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज अनएबल टू सी हिज पेरेंट्स एंड ही रियली वॉन्टेड देम बिकॉज ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेले में अगर करें तो करें क्या। क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, और बहुत ज़्यादा वो डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था, और अपने मम्मी पापा को वो फुकार रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स। राइट, अब उस डर में और इतनी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा वो डर चुका था, इस वजह से वो तुरंत के तुरंत क्या करने लगा, रोने लगा। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। अब अभी फ्लश्ड, यहाँ पे फ्लश्ड फेस, फ्लश्ड का मतलब क्या है, हैप्पी फेस, हैप्पी फेस। अब अभी तक तो वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था, वो मेले में घूम रहा था, तरह तरह की चीज़ों को देख रहा था, अपने मम्मी पापा के साथ था, तो वो बहुत खुश था। और जैसे ही उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिलते हैं, तो उसका जो खुशनुमा सा एक चेहरा होता है, जो हंसी वाला चेहरा होता है, वो क्या हो गया था, अब एकदम डर से और आंसुओं से खराब हो चुका था। कन्वल्स्ड मीन्स फुल ऑफ फियर। राइट, वो एकदम डर से भर चुका था उसका चेहरा, उसके चेहरे पे अगर कोई भी देखता तो ये समझा जा सकता था कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो, क्या है, डरा हुआ है और परेशान है। पैनिक स्ट्राइकन, पैनिक स्ट्राइकन मीन्स स्कैड, मतलब वो एकदम डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिल रहे थे और उसे नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो वो घर कैसे जाए, किसके पास जाए, किसके पास नहीं जाए, ही वॉज हैविंग नो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनीथिंग। राइट, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। अब पहले वो एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, मतलब चारों तरफ वो दौड़ दौड़ के अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। हिथर एंड थिथर मीन्स हियर एंड देयर। राइट, इन ऑल डायरेक्शन मीन्स ही वॉज कंटिन्यूसली रनिंग इन सर्च ऑफ हिज फादर एंड मदर इन ऑल द डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो। और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ क्या और जाऊँ किधर, कहाँ मुझे मिलेंगे मेरे मम्मी पापा। फादर मदर ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स क्राइड, वो रो रहा था, बार बार अपने मम्मी पापा का नाम लेके या उनको बुला करके वो रो रहा था। हिज येलो टर्बन केम यू अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। और जो उसकी येलो टर्बन, टर्बन मतलब होता है जो जैसे आपने पगड़ी, पगड़ी होती है ना टर्बन, तो वही मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, हेड कवरिंग मतलब कोई भी कपड़े लगा के आप हेड जब कवर करते हो तो दैट इज़ नोन एज टर्बन। और वैसे टर्बन का लिटरल मीनिंग होता है पगड़ी। तो जो भी उसने सर पे पगड़ी छोटी सी लगा रखी थी, वो किस कलर की थी, येलो कलर की, और वो भी अनटाइड मतलब लूज हो गई, वो भी क्योंकि वो इतना इधर उधर भाग रहा था, पहले तो वो आराम से चल रहा था तो सब कुछ सही था, बट अब क्योंकि वो भाग रहा है, इधर उधर रो रहा है, गुस्से में है, तो उसके जो उसने जो पगड़ी बांधी हुई थी वो भी लूज हो गई और वो भी खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं, और वो सिर्फ इधर उधर भाग रहा था, गिर रहा था। राइट, सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। राइट, अब क्योंकि अब इतनी टू एंड फ्रो मीन्स यहाँ से वहाँ हर जगह वो दौड़ चुका था, इन अ रेज मीन्स इन अ वेरी एंगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, बहुत ज़्यादा परेशान था, तो इसी गुस्से और परेशानी में वो इधर से उधर दौड़ चुका था, और इतना दौड़ चुका था कि वो खुद भी क्या हो चुका था, ही वॉज फीलिंग टायर्ड। राइट, फॉर अ वॉइल, जब तक कि वो गुस्से में बहुत देर तक उसने जब दौड़ लगा ली कुछ देर के लिए और फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। ही स्टूड डिफीटेड मीन्स ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन गेटिंग हिज पेरेंट्स, मीन्स ही वॉज देन ऑल्सो आफ्टर रनिंग ऑल्सो आफ्टर आफ्टर क्राइंग ऑल्सो ही वॉजेंट
और ही हैड नॉट गॉट हिज पेरेंट्स। हिज क्राइज सप्रेस्ड इन टू सॉब्स। अब जो अभी इतनी देर इतनी तेज तेज से वो अभी तक क्या कर रहा था, तेज तेज से चिल्ला रहा था, रो रहा था, राइट। पर अब वो उसका जो रोना था वो अब सिस्कियों में बदल गया था। सॉब मीन्स टू वीप, वैसे इसका मतलब भी रोना होता है, बट यहाँ पे सॉब का मतलब भी होता है सिस्कियाँ। जैसे बच्चे बच्चे आपने देखे होंगे कि पहले तो शुरू करते हैं बहुत तेज़ी से रोना, फिर धीरे 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 वो थोड़ी टाइम बाद वो उनका रोना किस में बदल जाता है, सिस्कियों में, राइट। सो ही हिज क्राइज सप्रेस्ड इंटू सॉब्स, मतलब सप्रेस्ड मीन्स टर्नड इंटू सॉब्स, राइट। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes. और अब वो रो रहा था, अब वो सिसकिया ले रहा था और वहाँ पे खड़ा था, तो दूर उसे थोड़ी दूर पे ग्रीन ग्रास दिखाई देती है, ठीक है, हरी भरी घास तो जैसा मैदान दिखाई देता है थोड़ी दूर पे, जहाँ वो खड़ा था उसी के थोड़े थोड़ी दूर पे। थ्रू हिज फिल्मी आइज का क्या मतलब है यहाँ पे, आपने देखा होगा, जब मान लो अभी हम नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल आंखों से देखते हैं तो हमें सब साफ दिखाई देता है, ठीक है। जब हमारे आंखों में आंसू आ जाता है, टीयर्स आ जाते हैं, तो नाउ जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना मीन्स जो ये जो आईस आई प्यूपल होती है उसके ऊपर जब आंसू आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा, कभी आपने देखने की कोशिश की होगी, अगर आंखों में आंसू भरा है और कभी आपने देखने की कोशिश की होगी तो आपको क्या दिखता है, धुंधला दिखता है ना, धुंधला, वही है ये फिल्मी आइज। सो थ्रू हिज फिल्मी आइज, अब वो अपने फिल्मी आइज मतलब धुंधली धुंधली आंखों में, क्योंकि उसमें आंसू भरे हुए हैं, तो अपनी धुंधली धुंधली आंखों से वो देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है, जो ग्रीन ग्रास मीन्स हरा मैदान है वहाँ पे, ठीक है। मेन एंड वेमेन टॉकिंग, और किनको देख पा रहा है वो, कुछ लोगों को, कुछ मतलब लेडीज और मेन को वहाँ पे बैठ के बातें करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट कलर क्लोथ्स। नाउ वॉट ही से वॉट द ऑथर इज सेइंग कि ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स वेरी केयरफुली। अब अपनी आंसू भरी हुई आंखों से वो बहुत केयरफुली वो देखने की कोशिश कर रहा है, अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट कलर ब्राइट येलो क्लोथ्स, क्योंकि उन्होंने जो लोग वहाँ पे थे वो भी ब्राइट कलर के येलो क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे थे, ठीक है, कुछ उसी के जैसे टर्बन बांध के रखे थे, मीन्स उन्होंने पगड़ी लगा रखी थी, कुछ येलो क्लोथ्स वहाँ पे लोग पहन के रखे हुए थे या पहने हुए थे वो लोग, तो उन्हीं के बीच में वो अपने मम्मी पापा को सर्च करने की कोशिश करता है, राइट, इंटेंटली मीन्स बहुत केयरफुली देखने की कोशिश करता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, पर वहाँ भी उसको उसके मम्मी पापा के होने का कोई भी साइन नहीं मिलता है। अमंग दीज पीपल, मतलब इन लोगों के बीच में भी या इन लोगों के बीच में उसके माँ बाप उसको नहीं दिखते हैं या नहीं मिलते हैं। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। अब इस बच्चे को बच्चे ने ये क्यों कहा यहाँ पे, या ये ऑथर ने ये क्यों मेंशन किया, क्योंकि बच्चे को लग रहा था कि जो लोग वहाँ पे बैठ के हंस रहे थे, बात कर रहे थे, वो सिर्फ इस वजह से मतलब बिना किसी रीज़न के ही, वो उसको ऐसा लग रहा था कि ये झूठ मूठ के लोग जो कि हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं। क्यों क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि झूठ मूठ के बात या हंसी कर रहे हैं, क्योंकि वो अब ऐसे कंडीशन में आ गया था जहाँ पे उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो खुद ऐसी कंडीशन में था, एकदम एकदम डिप्रेशन में था, एकदम फ्रस्ट्रेशन वाली कंडीशन में था, और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से उसको जो बाकी लोग वहाँ उसके आसपास वो देख रहा था, और उन लोगों को जब हंसते हुए और बात करते हुए देख रहा था, तो उसको भी लग रहा था कि ये लोग बिना किसी रीज़न के सिर्फ ऐसे फालतू में या झूठ में ही हंस रहे हैं और एक दूसरे से बोल रहे हैं, राइट। सो क्लास लेट प्रोसीड फर्दर। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब फिर से इतना देखने के बाद जब वो उसने अपने मम्मी पापा को खोजा वहाँ पे, ठीक है, अपनी आँखों में आंसू भरे हुए आँखों से जब उसने देखने की कोशिश की तो उसे कुछ नहीं मिला। So he ran quickly, फिर से वो दौड़ा या भागा, this time to a shrine. Shrine means temple. Over here shrine means temple. अब वो एक पास में ही मंदिर थे और उस मंदिर की ओर भागा, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग,
और जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन। कंजेस्टेड मीन्स फिल्ड। अब हर एक छोटी सी मतलब एक इंच की भी स्पेस वहाँ पे नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत जो जो क्योंकि वो मंदिर या वो मंदिर वाली जगह पूरे लोगों से भरी पड़ी थी, उसमें एक इंच की भी जगह नहीं थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स। पर फिर भी उसने अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए वो लोगों के पैरों के बीच बीच से जाने की उसने कोशिश की या जाने लगा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग। अब उसकी जो सिसकियाँ थी वो अभी भी उन सिसकियों में है, मीन्स वो अभी भी सिसकियाँ ले लेके रो रहा है और उन लोगों के पैरों के बीच से वो अपना रास्ता बनाते हुए अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मदर फादर, और वो रोते रोते क्या बोल रहा है, सिर्फ मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। और जैसे मंदिर के एंट्रेंस में एंट्रेंस तक वो पहुँचा तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया कि अब पहले से मतलब पहले से भी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, क्योंकि वो मेन एंट्रेंस था। इसलिए उसने यहाँ पे क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल मींस ग्रुप ऑफ पीपल का जो एक्सपीरियंस था उसको बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी, हद से ज़्यादा क्राउड थी और ये उसको परेशान कर रहे थे। परेशान कर रहे थे मींस क्राउड की वजह से, हैवी क्राउड होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था एंड दैट वॉज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर हिम टू सर्च हिज मदर एंड फादर। बिकेम वेरी थिक, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे एंट्रेंस के पास ही बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे और इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। मैन जॉसल ईच अदर, हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। मैन जॉसल ईच अदर मतलब एक दूसरे को लोग, आपने कभी मंदिर में, आप मंदिर में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब कोई ऐसी मंदिर होती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होती है तो वहाँ पे भीड़ होना लाजमी है, और ऐसे भीड़ में लोगों को आपने देखा होगा कि कैसे धक्का मारते हुए एक दूसरे को चलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा था कि जो वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि सारे वहाँ पे कोई बच्चा था नहीं, वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग थे और वो इतनी ज़्यादा मतलब इस तरीके से चल रहे थे कि वो एक दूसरे को पुश करते हुए चल रहे थे, मतलब धक्का देते हुए चल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कोई छोटी सी भी जगह, एक इंच की भी जगह खड़े होने के लिए नहीं थी सही से। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। अब वो वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत काफ़ी हट्टे कट्टे मोटे थे। फ्लैशिंग मीन्स शाइनिंग उन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, और उनकी जो आँखें थी, जो उनके आँखों से देख के लग रहा था कि उनकी आँखें एकदम शाइनिंग थी, ठीक है, शाइन कर रही थी, और उनकी आँखें एकदम बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, राइट। क्योंकि ये छोटा बच्चा था तो जब उसने उनके आँखों की तरफ देखा तो उसे डर सा लग गया, क्योंकि इन लोगों के लिए वो बहुत क्योंकि उन लोगों के लिए ये बच्चा क्या था, अनजान था। ही वॉज़ अ इनोसेंट एंड स्मॉल चाइल्ड एंड दैट इज़ वाई ही थॉट दैट दीज पीपल आर वेरी डेंजरस, राइट। एंड हेफ्टी शोल्डर, हेफ्टी मीन्स हैवी और पावरफुल। उनके शोल्डर भी बहुत पावरफुल थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और वो बहुत हैवी मतलब हट्टे कट्टे इंसान थे जो कि एक दूसरे को धक्का वहाँ पे दे दे के आगे या पीछे निकल रहे थे, राइट। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, राइट। अब ये जो छोटा बच्चा था वो एकदम मतलब उसकी कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी थी, क्योंकि वो रो रहा था, उसके मम्मी पापा उसे नहीं मिल रहे थे एंड ही वॉज फुल ऑफ फियर। सो द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स पुश। अब ये बच्चा जो छोटा सा था वो क्या कर रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था, और वो इन जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे उस मंदिर में, उनके टांगों के बीच में से क्या क्या खोज रहा था, एक रास्ता खोज रहा था कि ताकि वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ सके। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। ब्रूटल मीन्स हार्ड हर्टेड, ठीक है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे मंदिर में इकट्ठा हुए थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आसपास उनकी कौन है, उनको तो बस अपना उस मंदिर में अंदर जाना था और फिर बाहर निकलना था। अब इसके लिए वो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है, कि कौन बगल में खड़ा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बस वो
means they were thinking about themselves only, right? So knocked to and fro by their brutal movements, और वो बार बार उनके आने जाने से, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स मतलब हेयर एंड देयर, राइट? तो उनके आने जाने के मूवमेंट को लेकर के, या आने जाने को लेकर के जिस तरीके से वो आ जा रहे थे, इस तरीके से उस बच्चे को बार बार क्या लग रहा था, बहुत ज़ोर से धक्का या झटका लग रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूड, ट्रैम्पल्ड मीन्स क्रश, और वो शायद ऐसा भी हो सकता था क्योंकि वो छोटा था, हाइट में उसकी हाइट बहुत छोटी थी, तो ऐसा भी हो सकता था कि जिस हिसाब से भीड़ थी वो उनके पैरों के नीचे दब भी सकता था। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यहाँ पे हैड का मतलब है अगर, तो हैड ही नॉट श्रीक्ड, तो मतलब ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो हो सकता था कि वो उन लोगों के पैरों के नीचे आके वो दब भी सकता था, उसे बहुत चोट, बहुत सिवियर चोट भी लग सकती थी, अगर वो श्रीक्ड मीन्स स्क्रीम, अगर वो अपने तेज आवाज में उस टाइम क्या ना किया होता, चिल्लाया ना होता, राइट? क्योंकि जैसे उसने देखा कि वो इधर उधर मतलब वो निकल नहीं पा रहा है, और लोगों की आती जाती भीड़ से उसको परेशानी हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसने तुरंत क्या किया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या, मदर फादर मदर फादर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, राइट? सो अ मैन इन द सर्जिंग, सर्जिंग मीन्स रशिंग, मतलब अब जो भी रशिंग क्राउड था, मतलब आता जाता जो भी भीड़ थी और लोग आ जा रहे थे, उसी क्राउड में, उसी रशिंग क्राउड में एक आदमी था, ठीक है, जो कि जिसने उसकी क्राई, क्राई मतलब उसकी, उसका ये चिल्लाना वो सुन लेता है। एंड स्टूपिंग, स्टूपिंग मतलब बेंड करना, मतलब झुकना, ठीक है, और बहुत डिफ़िकल्टी सी, क्योंकि इतनी भीड़ थी जहाँ पे सही से खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला काम था, ऐसे भीड़ में, ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ में, बहुत भारी भीड़ में वो किसी तरह झुकता है उस बच्चे को, उस बच्चे को लेने के लिए, मीन्स उठाने के लिए, और अपने अपने आर्म्स में उसे उठा लेता है। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू नाउ, दिस दिस मैन, जो कि उसने उसकी आवाज़ सुनी थी उस मंदिर के अंदर, ठीक है, और उसने उस भीड़ से, उस भीड़ के बीच में से उसे अपने गोद में उठा लिया था, तो अब वो उससे क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, मतलब तुम यहाँ पे कैसे आए, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और ये सब तब उस बच्चे से पूछ रहा है जब वो एकदम मतलब जो भीड़ से अलग होके, जब वो अलग हो जाता है, मतलब बच्चे को लेकर के उस भीड़ को, उस भीड़ से अलग हो जाता है, मीन्स उस भीड़ से बाहर आ जाता है, तब ये क्वेश्चन उससे वो पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर। अब वेप्ट मतलब टू क्राई, अब वो और बिटरली मीन्स फोर्सफुली, अब वो और तेज तेज से रोने लगता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है, क्या, कि आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राई टू सूद, सूद मीन्स रिलैक्स हिम बाई टेकिंग हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब वो मैन, जो कि क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चे जिद करते हैं, रोते हैं, तो हम उन्हें बहलाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उनको उनको दिखाते हैं, ठीक है, या उनको कुछ दे देते हैं ताकि वो और ज़्यादा रोए ना। तो इस वजह से, क्योंकि वो बच्चा लगातार रो रहा था और अब उस आदमी के पास आने के बाद तो और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था उसने, इस वजह से वो उसे उस झूले के पास लेके जाता है ताकि उसे ये लगता है कि अगर मैं इसे झूले के पास ले जाऊँगा तो हो सकता है कि ये चुप हो जाए। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, अब वो बोलता है कि क्या तुम इस जो झूला है, जो घोड़े वाला झूला है, क्या तुम उस पर झूलोगे, क्या तुम उस पर झूला झूलोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, अप्रोच्ड मीन्स वेंट टूवर्ड्स, जब उस जैसे वो उस झूले की तरफ जाके, एकदम झूले के पास जाके उससे पूछता है, बहुत पोलाइटली, जेंटली मीन्स बहुत सिंपल या पोलाइट वे में उससे पूछता है कि क्या तुम इस हॉर्स की, मतलब इस घोड़े की सवारी करोगे, इस झूले पे झूलोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इंटू अ थाउजेंड श्रिल, टोर मीन्स ओपन, अब वो और गला फाड़ फाड़ के, मतलब यहाँ पे थ्रोट टोर का मतलब होता है गला फाड़ फाड़ के और रोने लगता है।
एंड श्रिल मीन्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, और भी ते और गला फाड़ फाड़ के तेजी से, बहुत ज़्यादा तेजी से वो रोने लगता है और सिर्फ शाउट क्या करता है, एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, और सिर्फ वो अपना गला फाड़ फाड़ के खूब तेज तेज से या तेज से तेज तेज से वो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और उस टाइम सिर्फ वो किसी की बात नहीं सुनता है, सिर्फ उसे क्या क्या बोलता है वो कि आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर। आप इससे पहले देख सकते हो कि उससे पहले जब तक उसके मम्मी पापा खो नहीं गए थे, ठीक है, उससे दूर नहीं हो गए थे, तब तक क्या हो रहा था कि वो इसी झूले पे झूलने के लिए अपने मम्मी पापा को रिक्वेस्ट कर रहा था, अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहा था। पर अब जब दिस स्विंग ऑफ ऑफर इज ही इज़ गेटिंग बाई सम अदर पर्सन, मतलब ये ऑफर उसको किसी और से मिल रहा है, तो भी वो झूलना नहीं चाहता है। बट ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड टू गेट इन टू द आर्म्स ऑफ हिज मदर एंड फादर। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। सो दिस इज़ वेर वी एंड आवर टॉपिक फॉर टूडे। थैंक यू ऑल, स्टे सेफ एंड टेक केयर। So students, today we have completed pages 3 and 4, right? So this was or the pages that we have just studied or completed was 3 and 4. And in our next class, we will start with page number 5. So in our next class, we will start with page number 5 and then this chapter will get over. Aur ye chapter khatam ho jayega. So it is compulsory for you to attend the class. So homework. Today's homework is you all have to write down the meaning in your book that has written during the video explanation of the story, right? So what you have to do is you have to write down the meaning. जैसे आपने देखा होगा मैंने explain करते हुए हर एक word की meaning लिखी हुई है book में, वैसे ही आपको using pencil you have to write down only the meanings in your book, and at the same time you have to complete the word meaning in your moments copy. अब जो पहले मैंने आपको दिया था स्क्रीनशॉट वर्ड मीनिंग का, वो तो आपने लिख लिया होगा, तो अभी भी आपको अब ये जो थर्ड और फोर्थ पेज हमने ख़त्म किया है आज, इसकी मीनिंग जैसे मैंने अपने बुक में लिखी है वैसे आपको अपने बुक में लिखना है, और वर्ड के साथ मीनिंग अपने मोमेंट्स कॉपी में, राइट? सो क्लास, विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड दिस पेजेस, दिस टू पेजेस। सो टिल देन, stay safe and be happy.